बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को कैक्टस लगाने का तरीका बताऊंगी। ये मैं एक कैक्टस की कटिंग लेके आई हूँ, तो मैं इसके लिए सॉइल तैयार करके तो ये कटिंग लगा के आपको सारा जो है प्रोसीजर दिखाना चाहती हूँ। तो कैक्टस की सॉइल जो है उसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर लेने से वो कैक्टस की ग्रोथ माशाल्लाह बहुत प्यारी हो जाती है। तो इसमें यह है कि आप घर में से ही चीज़ें इसमें डालें और बहुत अच्छी इसकी सॉइल तैयार हो जाती है। कुछ लोग तो एक्सपेंसिव सॉइल तैयार करते हैं, वो अगर आप तैयार करना चाहें तो वो परलाइट और वर्मिक्यूलाइट है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं उसका अल्टरनेटिव जो है चीज़ें वो मैं आपको सारी आज बताऊँगी। तो उसमें यह है कि हम ये देखें, कोयला है, बुझा हुआ कोयला होता है, तो ये बाज़ार से भी मिल जाता है। जो हम तिक्के वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कोयला जो है वो इस्तेमाल कर लें, तो उनको ऐसे तोड़ कर छोटे छोटे पीस कर लें, इसको और मज़ीद छोटा कर लें। तो मैंने तो सिर्फ आपको वीडियो में दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके दिखाई हैं। तो इसके अलावा ये है कि ये देखें, ईंट है, ये खदी सी ईंट है, उसको मैंने तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसके अलावा अगर आपके पास छोटी छोटी बजरी है छोटे साइज़ में तो वो भी आप डाल सकते हैं, ये डाल लें, ये तो बहुत बेस्ट है। तो जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। तो इसके अलावा गार्डन सॉइल है, गार्डन सॉइल अगर आपकी भालू टाइप है तो वो तो बहुत बेस्ट है, अगर वो ज़्यादा भालू टाइप नहीं है तो उसमें थोड़ी सी जितनी आपकी गार्डन की सॉइल है उतनी ही सैंड मिला लें। और इसके अलावा ये है कोकोपीट, ये कोकोपीट नहीं है, ये कोकोपीट का अल्टरनेटिव है मेरे पास। ये चावलों के ऊपर से जो शेल्स उतरते हैं ये मैं वो यूज़ करना चाह रही हूँ। इसमें आपके पास कोकोपीट है, अगर पीनट शेल हैं वो यूज़ कर लें, अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप ये चावलों के ऊपर से जो शेल्स उतरते हैं, ये हमारे पास एक करीब ही हमारे घर के पास मिल है, तो वहाँ से मैं बाय करके लाई थी। मैंने कहा चलें इसमें भी ग्रो करते हैं और आपको भी सारा ये दिखाते हैं। तो अब मैं ये सारी जो है चीज़ें मिक्स करती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा चूना भी यूज़ करूँगी, भुजा हुआ चूना मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये देखिए मैं बॉटल्स में है पड़ा हुआ, तो ये मैं डाल के तो मिक्स करके तो ये भी आपको एक सॉइल तैयार करती हूँ और फिर उसमें हम ये जो है कैक्टस है ये लगाते हैं। तो चलें अब मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने सॉइल कुछ मिक्स कर ली है, कुछ मैं मिक्स करती हूँ और मैंने कहा आपको सोचा दिखाते जाते हैं साथ साथ, ये मिक्स कर लें सॉइल को अच्छी तरह। और ये इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो पॉट है उसका ड्रेनेज होल जो है वो बेस्ट होना चाहिए, सॉइल भी बेस्ट होनी चाहिए और ड्रेनेज होल भी बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कैक्टस प्लांट में पानी रुक जाए तो बहुत जल्दी ये डैमेज हो जाते हैं। इनकी रूट्स जो होती हैं बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट और छोटी छोटी होती हैं, इसके लिए ये चंद एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर हम कैक्टस रखना चाहते हैं। तो ये देखें इसमें कितना अच्छा सुराख है और इसके ऊपर मैं ये छोटा सा कैंकर दे देती हूँ बस ऐसे, बाकी अगर एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो ड्रेन होता रहे तो वो बेस्ट हो जाता है। बस इतनी सी मैं अब इसमें मिट्टी भर के तो इसमें प्लांट रखती हूँ। बस अब हम इसको पानी दे देते हैं और इसको छाया वाली जगह में, जहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ पे ये जैसे ये जो जगह है वहाँ पे रख देंगे, हल्की फुल्की धूप आती रहे, बस बहुत ज़्यादा धूप ना इस पे पड़े तो ऐसे ये तैयार कर देंगे। तो ये देखें इसकी वैसे भी ये देखें जैसे दो हाथ बने हुए हैं और ये मुँह कितनी प्यारी इसकी शेप पहले से आई हुई है, मैंने सोचा चलिए आपको भी लगा के देते हैं दिखा देते हैं और इसको ज़्यादा पानी नहीं देना। तो चले मैंने जो चंद एक और तैयार की हुई हैं, मैंने वीडियो भी बनाई थी कैक्टस और बेबी सनरोज़, वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहती हूँ कि माशाल्लाह से देखें उसकी कितनी अच्छी वो चल चुके हैं। ये देखें मैंने थोड़े दिन पहले ये वीडियो बनाई थी बेबी सनरोज़ की, ये भी एक सकुलेंट प्लांट है, इसकी भी सॉइल बिल्कुल मैंने ऐसे ही तैयार करके आपको दिखाई थी। तो देखें कितनी माशाल्लाह इसमें ग्रोथ कितनी तेज़ी से आई है। तो ये सॉइल तैयार जितनी आप अच्छी बढ़िया सॉइल तैयार करेंगे उतनी ही जल्दी जो है प्लांट रिकवर कर देगा। तो एक ये थी और एक ये थी,
तो ये देखें ये भी अभी स्टेबल है। तो इसी तरह आप कोई भी कैक्टस लेके आएँ, सॉइल इसी तरह तैयार करें और उनको कुछ दिन जो है वो छाया वाली जगह पे रखें। वैसे तो इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखते, लेकिन जब इसको लगाते हैं उस वक्त तो कुछ ना कुछ जो है इसको छाया वाली जगह पे रखें, फिर ऐसी जगह पे जहाँ पर सुबह की और शाम की धूप, 2 घंटे की सुबह और 2 घंटे की सुबह सुबह वाली और शाम वाली धूप पड़े, तो ये कैक्टस जो है बहुत अच्छे ग्रो कर जाते हैं। तो चलें, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।